लेखा शास्त्र कक्षा 11वीं की लेखा शास्त्री क्लास में बच्चों आपका बहुत स्वागत है। आज अपन लेखांकन के सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके पहले अपन ने बच्चों लेखा शास्त्र के बारे में पढ़ा था, लेखा शास्त्र के विषय के बारे में पढ़ा था, बही खाता व लेखांकन पढ़ा था, लेखांकन की परिभाषा, अर्थ और लेखांकन की अवस्थाओं के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन उस लेखांकन के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, तो इसके पाठ्यक्रम पर एक दृष्टि डालेंगे बच्चों। उसमें मूलभूत अवधारणा, लेखांकन अस्तित्व, मौद्रिक मापन और चालू व्यवसाय व लेखांकन की अवधि, इसके पाठ के अंतर्गत अपन इसको पढ़ेंगे। फिर उसमें मूलभूत सिद्धांत है जो लेखा दोहरा लेखा प्रणाली, ऐतिहासिक लागत और इसके बारे में लेखाकम के प्रमाण, इतने चैप्टर्स हैं बेटा इसमें, इसके अंतर्गत पॉइंट वाइज है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले लेखांकन के सिद्धांत की जो शब्दावली है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेखांकन के सिद्धांत में लेखांकन के सिद्धांत की शब्दावलियां जो इसके लेखांकन के सिद्धांत की शब्दावलियां है वो है, लेखांकन के सिद्धांत में लेखांकन के नियमों में जो लेखांकन के दौरान वित्तीय व्यवहारों का सही दिशा में निर्देशित करता है। आप लेखांकन के जो सिद्धांत है उनके लेखांकन के जो नियम है उसके मतलब जो आप वित्तीय व्यवहारों को सही दिशा निर्देशित करता है ये लेखांकन की शब्दावली। फिर है लेखांकन का प्रमाण, आधारभूत सिद्धांत और मूलभूत मान्यताएं, जो लेखांकन का जो जो पारदर्शिता होती है, समरूपता होती है, निश्चिंता होती है और तुलनात्मक होता है वो लेखांकन के आधारभूत सिद्धांतों की मान्यताएं हैं। परिवर्तनशील सिद्धांत, अवधारणाएं, लेखांकन इकाइयां और इसके बाद ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ने ऑफ इंडिया एक आपको मतलब ये एक संस्था है ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट। दूसरा है IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग। ये सब लेखांकन के सिद्धांत के अंतर्गत इन शब्दों का, ये शब्दावलियां का जो है उनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद लेखांकन के सिद्धांत में है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली लेखांकन की एक प्रणाली ऐसी है जिसके अंतर्गत सौदे के दोनों रूप को प्रभावित दोनों पक्षों में लेखा किया जाता है। तो जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसमें जो लेखे बनाए जाते हैं एक प्रणाली में जिसके अंतर्गत सौदों के दोनों रूपों को प्रभावित दोनों पक्षों का क्या किया जाता है, लेखा किया जाता है। दोनों पक्ष जैसे कि डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में सौदे की रकम, सौदे की रकम खाते की बाएं हाथ में लिखा जाता है, अर्थात व्यवसाय के स्वामी का ऋणी होना। तब जो आप उसमें लेखांकन के सिद्धांत में जो आप लेखांकन चिट्ठा बनाएंगे या जो आप लेखांकन करेंगे उसमें दो पक्ष होते हैं डेबिट और क्रेडिट। तो सौदे के रूप में जो रकम खाते के बाएं ओर जो अपन लिखते हैं जो व्यवसाय के स्वामी का क्या बताता है, ऋणी होना बताता है। तो वो हो गया डेबिट। क्रेडिट साइड सौदे में जमा, जो सौदा किया जाता है व्यवसाय में, खाते में दाएं ओर लिखते हैं, अर्थात उसे व्यवसाय की, व्यवसाय के स्वामी का भुगतान कहते हैं। इसमें प्राप्त करने का अधिकार होता है, मतलब जो स्वामी है व्यवसाय का उसको क्या प्राप्त होता है, लाभ। फिर है रोकड़ पर आधारित लेखांकन। तो लेखांकन के सिद्धांत में जो रोकड़ पर जो पूरा लेखा है वो काय पर आधारित होता है, रोकड़ पर। तो रोकड़ पर आधारित लेखांकन। फिर उसके बाद है उपार्जन आधारित लेखांकन, लेखों को लेन देन की प्रवृत्ति। जो रोकड़ पर आधारित लेखांकन है उसमें जो रोकड़ होती, जो लेखे लिखे जाते हैं वह काय पर आधारित होते हैं, रोकड़। तो आप उसको रोकड़ के आधार पर
अंकन, तो उनके आधार पर जो रोपण का आधार होता है उसमें जो रोपण प्राप्ति होती है उसके आधार पर ही इसको क्या किया जाता है, भुगतान के आधार पर, ये रोकड़ जो होता है ये भुगतान का क्या होता है, आधार होता है। फिर है उपार्जन आधारित लेखांकन। उपार्जन अपन को व्यवसाय से क्या उपार्जित हो रहा है, क्या मिल रहा है, तो लेखों पुस्तकों में जो लेखे पुस्तक होते हैं, लेखे पुस्तकों में जो लेन देन होते हैं, लेन देन होते हैं, जो लेन देन को प्रवृष्टि करना, लेन देन की प्रवृष्टि सौदे के समय पर करना, उसकी जो लेन देन हुआ उसकी प्रवृष्टि समय पे करना, रोकड़ समय पे प्राप्त हुई या लेन देन जो अपन ने किया, ये उपार्जन पर आधारित लेखांकन के शब्दावली के अंतर्गत आता है। उसके बाद है बेटा लेखांकन के आधारभूत, जो लेखांकन है उसके आधारभूत मान्यताएं और अवधारणाएं, जो लेखांकन है उसका अपन लेखांकन करेंगे, उसके आधारभूत कुछ मान्यताएं होती है, कुछ अवधारणाएं होती है। तो कोई भी व्यवसाय में सब जो शुरू होता है वह कैसे शुरू होता है, लेन देन से। कैसे शुरू होता है, लेन देन। अगर आप कोई लेखांकन बना रहे हैं उसके लिए सबसे पहले लेन देन का हिसाब, जो आप क्या ले रहे हैं उसका हिसाब रखने के लिए इतिहास बहुत पुराना है, जो उसका इतिहास है वह बहुत पुराना है, और समय समय पर अलग अलग विद्वानों और लेखापालों ने लेखांकन के क्षेत्र में अनेक प्रथाओं को जन्म दिया। सब मतलब कोई भी व्यवसाय आप शुरू करेंगे सबसे पहले उसमें हिसाब लिखेंगे, तो क्या लिया क्या दिया, तो लेन देन की प्रथा ये बहुत पुरानी परंपरा और परंपरा को क्या करता है, इसने जन्म दिया है। किंतु यह सिद्धांत कैसा है, विश्वव्यापी नहीं है। जो लेखांकन का सिद्धांत है वह विश्वव्यापी नहीं है। यही कारण है कि आज भी व्यावसायिक सौदे का हिसाब रखने के लिए, जो व्यावसायिक सौदे होते हैं तो उसका हिसाब रखने में क्या है, विधियों में भिन्नता है। सबकी विधियां अलग अलग है, सबकी विधियां एक सी नहीं होती। इसलिए कोई जो छोटा व्यापारी होता है बड़ा व्यापारी होता है, तो उनकी व्यवसाय करने की जो नीति होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए सौदे का हिसाब भी उनका कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। किंतु फिर भी लेन देनों का लेखांकन करने के लिए, लेकिन व्यवसाय किया है तो उसके लेन देन का हिसाब लेखांकन करने के लिए तर्कसंगत विचार है, जिन्हें बिना प्रमाण के स्वीकार कर लिया गया है। जो आप बिना प्रमाण के, मतलब आप कोई भी लेखांकन करोगे, व्यवसाय करोगे, आप मतलब बोल दो कि हमने ये किया वो किया, तो ये बिना प्रमाण के भी मतलब शो हो सकता है हिसाब किताब। फिर एक परिभाषा दी है, अनेक तर्कसंगत विचार हैं जो बिना प्रमाण के भी इनको क्या कर लेते हैं, अपन स्वीकार कर लेते हैं। E.L. कोहलर ने भी अपने शब्दों को एक निश्चित विचार के क्रम में अनुसार कार्य करता है और अवधारणा को लाता है। तो E.L. कोहलर ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, कोई भी निश्चित विचार जो आप क्रम के अनुसार कार्य करते हैं, अवधारणा में लाते हैं, लेखांकन की इसको आप, इसके बाद लेखांकन के अस्तित्व की मान्यता और अवधारणा, सबसे पहले ये विवेचना है। इस विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है लेखांकन की मान्यता और अवधारणाओं को व्यवसायिक लेन देनों में लेखांकन के लिए उन सभी तथ्यों, कोई भी मतलब आप लेखांकन करोगे तो उसमें आपको सबसे पहले तथ्यों, विचारों, कल्पनाओं को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। कभी आप लेखांकन करते हो तो सोचते हो ना, आप एक मान लीजिए, आप एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रही हूँ, अगर आपको एक पेन खरीदना है तो उसके बारे में भी आप सोचते हो कितने का है, आप एक विचार बनाते हो ना, उसमें एक विचार होती है, कल्पना होती है कि मैं कैसा पेन लूंगा, जिसका लेखांकन सिद्धांत में प्रतिपादित करना संभव हुआ और लेखांकन की प्रमुख
इसकी कुछ अवधारणाएं हैं। तो पहला है मुद्रा मापन की मान्यता या अवधारणा। तो लेखांकन सामग्री में उन्हीं क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे मुद्रा का मापन की जो प्रथम इसकी पहली अवधारणा है मुद्रा के मापन में मान्यता व अवधारणा। तो लेखांकन की सामग्री में सम्मिलित किया मतलब उन्हीं को क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका प्रतिफल मुद्रा में पाया जाता है। प्रतिफल जिसका मापन मुद्रा में संभव हो तो आप लेखांकन बनाओगी उसके लिए आपको कोई भी जो आकलन करना पड़ेगा सामग्री आपने मतलब सामग्री में उन्हें क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है जिनका प्रतिफल मुद्रा में क्या होता है पाया जाता है। बिना मुद्रा के आप कोई भी वस्तु खरीदने के बारे में नहीं सोच सकते। इसका प्रतिफल जिसका मापन मुद्रा में संभव है जैसे उत्पादन की क्या नीति है आप कैसे उत्पादन करोगे ये भी आप मुद्रा के आधार पर ही क्या करोगे निश्चित करोगे। उत्पादन की क्या नीति है माल कैसा होगा कितना होगा है मुद्रा द्वारा ही इसको क्या कर सकते हैं अपन व्यक्त कर सकते हैं। अपन कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे तो सबसे पहले अपन नीति बनाएंगे कि उत्पादन कैसा होगा माल किसका होगा मुद्रा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह बात लेखांकन की दृष्टि से कैसी है अनुपयोगी है। यहाँ तो केवल रोकड़ का हिसाब किताब है आपने माल कैसे बनाया कि आपका माल कैसा है ये सब इसमें इससे इसका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए इसलिए ये मुद्रा मापन की मान्यता जो है वह अवधारणा है वह कैसी है लेखांकन के लिए अनुपयोगी है। फिर दूसरा है चालू व्यवसाय की मान्यता का अवधारणा। जो आपने कोई व्यवसाय शुरू किया वह चालू व्यवसाय की मान्यता की अवधारणा। लेखांकन पुस्तकों में जो लेखांकन पुस्तक बनाए जाते हैं उसमें व्यवहारों का लेखा इसके आधार पर मतलब इस आधार पर किया जाता है व्यापार लंबे समय पे है में चलेगा या बंद हो जाएगा या दीर्घकालीन व्यापार अल्पकालीन व्यापार अस्थायी व्यापार की अपेक्षा अच्छा माना जाता है। व्यापार कैसे आप कोई भी व्यवसाय शुरू करोगे वो कैसे समय तक चलेंगे बेटा कैसे समय तक चलेंगे बच्चों लंबे समय तक वह चलेंगे। तो व्यापार लंबे समय तक चलता रहेगा बंद नहीं होगा लेकिन दीर्घकालीन व्यापार और अल्पकालीन या अस्थायी व्यापार की अपेक्षा अच्छा माना जाता है। इसके निम्नलिखित कारण पहला है दीर्घकालीन व्यापार में विनियोजित धन लगाने के लिए मतलब आप दीर्घकालीन के लिए आप विनियोजित दर मतलब जो धन है उसको लगाने के लिए आप क्या रहते हैं उत्प्रेरित रहते हैं आतुर रहते हैं या व्यापार शुरू कर रहे हैं उससे आपको क्या होगा लाभ होगा इसलिए आप उसमें क्या करेंगे धन लगाने के लिए क्या रहेंगे आतुर रहेंगे। तो ये आपकी एक अवधारणा हो गई। फिर व्यापार में माल और संपत्ति का हिसाब कितना आप व्यापार शुरू करोगे उसमें आपको माल कहाँ से आया संपत्ति का हिसाब कितना है मूल्य के बारे में अनुमान नहीं लगाते संपत्ति पर घिसावट उसके संभावित अवधि के आधार पर लगाई जाती है। आप देखिएगा किसी वस्तु के मूल पर ह्रास या घिसावट तब उसकी किसके आधार पर लगाई जाती है संपत्ति के आधार पर उस पर लगाई जाती है क्योंकि लेखापाल जानता है कि व्यवसाय भविष्य में चालू रहेगा और समायोजन आगे आने वाले वित्तीय वर्षों में क्या होगा समायोजित हो जाएगा। तो जो व्यापार होगा वह कैसा होगा आने वाले वित्तीय समय के लिए क्या होगा समायोजित हो जाएगा आपको लाभ हानि ये सब वित्तीय वर्ष में समायोजन करने के लिए लेखा शास्त्र की आवश्यकता या मान्यता की अवधारणा है। लेखांकन अवधि की मान्यता या अवधारणा तो चौथा है इसका इसका जो लेखा अवधि कैसी होती है कोई भी लेखांकन बनाएंगे सबसे उसके लिए आपको अवधि भी क्या करनी होगी निश्चित। तो लेखांकन मान्यताओं की अवधारणा व्यवसाय के लिए भविष्य में चालू रहने के लिए अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि व्यवसाय अनिश्चित काल को काल तक चलता रहे इसकी अवधि कितनी लंबी होती है मतलब तो आप कोई भी व्यवसाय शुरू करोगे ऐसा थोड़ी है कि आज आपने व्यवसाय शुरू किया
व्यवसाय कैसे होते हैं? अनिश्चित अनिश्चित काल के लिए होते हैं। व्यवसाय व्यवसाय की समाप्ति और परिणाम को जानने के लिए क्या रहता है, उसको क्या करनी पड़ती, प्रतीक्षा नहीं करी जाती। आज हमने व्यापार शुरू किया, कल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं। व्यवसाय व्यवसाय की समाप्ति और परिणाम को जानने के लिए इतनी प्रतीक्षा नहीं करेगा। और समाप्तता यह अवधि कैसी होती है? कोई भी व्यवसाय का वित्तीय लेखांकन बनाने के लिए उसकी समानता अवधि कितनी होती है? एक वर्ष होती है। व्यवसाय आप देखो, छोटे छोटे मेले लगते हैं या राखी बाजार हो गया, त्योहारों पे जो बाजार लगते हैं वो कैसे बाजार होते हैं? मौसमी बाजार होते हैं। तो उनका जो आय हो गया या जिनसे उनको लाभ होगा वो कैसे होता है? तो मेलों में लगाए जाने वाले व्यवसाय कैसे होते हैं? मौसमी व्यवसाय की जीवन की अवधि उनकी लेखा अवधि होती है। तो ये बाजार कैसे होते हैं? अल्पकाल के लिए होते हैं, लेकिन लेखा अवधि की मान्यता और अवधारणा के अनुसार सामान्यता जो मतलब उनकी जो लेखों की अवधि होती है वह कैसी होती है? एक वर्ष। वित्तीय लेखों की अवधि कैसी होती है? एक वर्ष होती है। फिर है इसके बाद बच्चों अपन महत्वपूर्ण अवधारणाएं पढ़ेंगे लेखांकन की, लेखा सिद्धांतों की। आज आपने लेखांकन के सिद्धांत में लेखांकन की शब्दावली पढ़ी और लेखांकन की अवधारणाएं पढ़ी। तो लेखांकन की अवधारणाओं में पहला है लेखांकन अस्तित्व की मान्यता पर अवधारणाएं। जो लेखांकन है उनका अस्तित्व और उसकी मान्यता कैसी है उस अवधारणा पर अपन ने पढ़ा। उसमें आपने व्यवसाय के अस्तित्व के स्वामी पृथक और कैसे होते हैं? स्वतंत्र होता है। अगर आप कोई भी व्यवसाय शुरू करोगे तो कैसा होगा? पृथक होगा और वह स्वतंत्र होगा। फिर है मुद्रा का मापन, दूसरी इसकी मान्यता या अवधारणा है मुद्रा का मापन, वह कैसा है? लेखांकन सामग्री में क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसका प्रतिफल मुद्रा में क्या होता है? पाया जाता है। उसमें व्यापार व्यवसाय में क्या नीति है, क्या उत्पादन है, ये सब लेखांकन के लिए क्या है? अनुपयोगी होते हैं। फिर चालू व्यवसाय की मान्यता या अवधारणा। तो लेखांकन पुस्तकों के व्यवहार में लेखा का आधार कैसा होता है? व्यापार लंबे समय, आप कोई भी व्यापार शुरू करोगे तो उनका व्यापार कैसा होगा, वह कैसा रहेगा? व्यापार कैसे रहते हैं? लंबे समय तक चलते हैं और बंद नहीं होते, दीर्घकालीन, अल्पकालीन और अस्थायी। फिर है लेखा अवधि की मान्यता या अवधारणाएं। तो मतलब व्यवसाय के भविष्य में चालू की गई अवधारणाएं। तो आज आपने लेखांकन के सिद्धांत में लेखांकन की मान्यता और अवधारणाएं पढ़ी। अब अपन नेक्स्ट पीरियड में बच्चों महत्वपूर्ण अवधारणाएं और लेखांकन का आधार पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।